हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप जो है Instagram यूज करते हैं तो Instagram के रील्स को, वीडियोस को या फोटोज़ को अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको हम आज एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसका यूज करके जो किसी भी Instagram के वीडियोज़ या फोटोज़ या किसी के प्रोफाइल, किसी का स्टोरी या अपना स्टोरी मोबाइल के गैलरी में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको वीडियोस देखने हैं, इंस्टाग्राम का रील्स देखने हैं और आपको उसे कहीं शेयर करना होता है या आपके अपने फ़ोन के गैलरी में सेव करना होता है या आपको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में उसे लगाना होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सारा चीज़ बताएंगे कि कैसे आप जो है अपने इंस्टाग्राम रील्स को कैसे आप जो है बिल्कुल ही आसानी से अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं और उसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर के चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहीं पे आपको सारा चीज़ बताते हैं कि कैसे जो है आसानी से इजीली अपने मोबाइल के गैलरी में सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहीं पे आपको सारा कुछ बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम का वीडियोज़, फ़ोटोज़ या किसी का भी स्टोरी, हाइलाइट्स या प्रोफाइल कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको जो भी रील्स यहां से डाउनलोड करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम का ये रील्स, ये वीडियोज़ हमको डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले जो है आपको जो है यहां पे राइट हैंड साइड में नीचे की ओर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी आपको ऑप्शन डाउनलोड का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉपी लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है। इस लिंक को कॉपी करने के बाद दोस्तों, आपको जो है अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल में ऊपर सर्च मारना है इंस्टा वीडियो डाउनलोडर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सर्च मार लेते हैं इंस्टा वीडियो डाउनलोडर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टा वीडियो डाउनलोडर मारिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं वीडियो का ऑप्शन है, रील्स का है, फ़ोटोज़ का है, डीपी का है, स्टोरीज़ का है, हाइलाइट्स का है, सभी चीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि हमने इंस्टाग्राम रील्स का लिंक कॉपी किया है तो आपको रील्स वाले ऑप्शन पर सिंपल चले जाना है। ठीक है दोस्तों, रील्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर सिंपल क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, वो वीडियो जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। खुल के आने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है नीचे की ओर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ऊपर की ओर डाउनलोड होने लगा है, हमारा जो रील्स है डाउनलोड हो रहा है, देख सकते हैं। या नहीं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड इंस्टा फिंस्टा टू होम स्क्रीन, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपल डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे हम, चलिए इसको हम डाउनलोड करके आपको दिखलाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है, ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में ओपन हो चुका है, दिखलाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में आ चुका है, इसे सिंपल हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारा चीज़ का आ गया, जैसे हम कोई फोटेज आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आ जाने के बाद दोस्तों, तो देख सकते हैं जैसे कि ये फोटेज है, इसे हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। सिंपल है दोस्तों, जैसे आपने जो है रील्स का जो है लिंक कॉपी किया था, वैसे इसमें फोटेज में भी आपको इसका लिंक कॉपी कर लेना है। ऊपर जो है 3 डॉट पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद लिंक आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद सिंपल आपको जो है इंस्टा फिंस्टा एप्लीकेशन में चले जाना है। यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप
क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे वो फोटोज़ देखिए दोस्तों वो खुल के आ गया और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे सिंपल आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह जो है दोस्तों यहाँ पे आपको सारा चीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आप DP कैसे किसी का डाउनलोड करेंगे, किसी भी पर्सन का आप DP कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसका जो है प्रोफाइल ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन करने के बाद ऊपर राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा। 3 डॉट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपको एक कॉपी प्रोफाइल URL का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये जो है कॉपी हो जाएगा लिंक। उसके बाद फिर से DP आपने DP का लिंक कॉपी किया है, DP आपको डाउनलोड करना है, तो DP वाले ऑप्शन पे चले जाना है। DP वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट कर देना है, उसका लिंक पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो सिंपल आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं प्रोफाइल तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं उसका प्रोफाइल खुल के आ चुका है। ठीक है दोस्तों, उसका प्रोफाइल खुल के आ चुका है। आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये सिंपल डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप स्टोरी हाइलाइट्स जो है आप सारा चीज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें।